जबलपुर महाराष्ट्र सरकार एवं मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया और एक पत्रकार के साथ आतंकवादी जैसी बदसलूकी की गई है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में इस तरीके का हमला अशोभनीय है। इस संदर्भ में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट धौलपुर ने जिला प्रशासन को अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर रोष व्यक्त किया अथवा राष्ट्रपति महामहिम से अनुग्रह किया है कि मुंबई पुलिस अथवा महाराष्ट्र सरकार को इस तरीके से करना बहुत ही गलत और प्रेस स्वतंत्रता पर बुरा हमला हुआ है। इससे सभी पत्रकारों में रोष है और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जिला अध्यक्ष गोपेश पचौरी जी ने कहा कि जल्द से जल्द अर्णव गोस्वामी को रिहा किया जाए और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। हम इस तरीके से गिरफ्तारी की गई है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस दौरान इंद्र शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गजेंद्र कादिल जिला महासचिव, पुष्पेंद्र बघेल, सत्येंद्र बघेल, संतोष राजपूत, खेमराज मीणा, अमरीश शर्मा आदि पत्रकार उपस्थित रहे। रिपब्लिक भारत चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के साथ जो महाराष्ट्र सरकार की शह पर मुंबई पुलिस ने किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम है। संविधान को ताक पर रखकर एक प्रकार से महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है और एक आतंकवादी की तरह अर्णव गोस्वामी जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, जिस तरीके से एनकाउंटर स्पेशल वहां गए पुलिस फोर्स लेके AK-47 राइफल लेके, ये एक आतंकवादी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है ऐसा व्यवहार वहां किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट शाखा धौलपुर इसका सख्त विरोध करते हैं तथा अर्णव गोस्वामी को तुरंत रिहा किया जाए और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये विषय लेकर हम आज यहाँ जिला प्रशासन को ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम दिया है।